कर तू हासिल कर, we hustle hard। पाशा भाई, आपको एक राज मालूम है, जब हम लोग यहाँ पर बहुत टेंशन में होते हैं, नर्वस होते हैं, नखून काट रहे होते हैं कि कौन एलिमिनेट होगा, इन लोग के पीछे बहुत मस्ती चालू रहती है, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रियल एंटरटेनमेंट हम नहीं देख रहे, वो पर्दे के पीछे जो इन लोग करते हैं, तो पर्दे के पीछे जो मनोरंजन हो रहा है, जिससे हम लोग सब लोग महरूम हैं, उसको बाहर लाने के लिए मेरे दो वॉरियर आ रहे हैं सबके पोल खोलने के लिए, सृष्टि एंड विकेड सनी। पक्का एलिमिनेटेड लोग बोल सकते हैं ना यहाँ पे? माइक मिल गया हाथ में तो लूट ले अभी। मेरे को ये लोग को छोड़ के जाने का मन भी नहीं कर रहा है। एक्चुअली यहाँ से बाहर जाने के बाद मेरे को इनके साथ ही रहना है, मैं इनके साथ ही रहने वाली हूँ, मेरा प्लान हो गया है। तो रह ले, किसके साथ रहेगी? पर बहुत सारे हैं अभी तो। ग्रेविटी के साथ रह लूंगी, लेकिन ग्रेविटी है ना, बोलता है बहुत बार कि मच्छर जैसा दिखता हूँ, मच्छर जैसा दिखता हूँ, तो मैंने अज्यूम कर लिया था कि बिन भी ना आएगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, लेकिन पूरा दिन ऐसा। तो शो के बाद थोड़ा शांति चाहिए, रैप शो खत्म हो रहा है, ये तो नहीं होएगा। ये तो नहीं होएगा। लक्ष्य शांति चाहिए, तो लक्ष्य बहुत शांत बंदा है ये। मतलब मेरे को हॉन्टेड हाउस में भी नहीं रहने का, कि मालूम ही नहीं पड़ रहा है इंसान है नहीं है। थोड़ा सा इंसान के साथ रहने का था। अरे सही डिसीजन, नहीं रहना लक्ष्य के साथ, नहीं, नो वॉरियर्स के साथ अभी इससे ज्यादा नहीं रहने का। क्यों? कनेक्ट नहीं हो पाया रहा आपने लोग से। मैं बोलने वाला था, मेरे पर तो नहीं आने वाला है ना तू? नहीं 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 डीनो भाई, मैं पैंथर के साथ रह सकती हूँ, पैंथर इज अ गुड ऑप्शन। तेरा भाई पैंथर, पैंथर का पता है बात करने से पहले पैंथर यूपीस 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 पे यूपीस 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 यूपीस। उससे अच्छा हेडशॉट है बे। नहीं हेडशॉट नहीं है वो, दो आदमी हम भी है परिचित, हम भी हो रहा परिचित। अच्छा ठीक है, मैंने पसंद यो ये मैंने भरोसा नहीं ऐसे वैसे ये वजह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ए इश्यू बॉय हेडशॉट मुझे वोट करने के लिए आज डाउनलोड करें वोट चैट ये। नो प्लीज नो नो नो, लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स। भाई नैज, तूने तो कोलैब भी किया था। तेरे को क्या लगता है सुबह सुबह उठ के मेरे को ये शक्ल देखने का है रोज? कुछ तो सोच के ही नाम रखा है बकासुर। अभी अभी तेरा खास स्क्वायर, स्क्वायर के साथ मेरे को रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को चलेगा, लेकिन मैं रह लेती अगर वो घर में रह रहा होता। वो दिन का 20 घंटा तो बाथरूम में रहता है। फिर भी नहाता नहीं है ये। मेरे को बाथरूम में तो अगला जिंदगी नहीं निकालने गए। ईपीआर रेबल्स भी कैंसिल, नहीं जम रहे। ईपीआर रेबल्स का हाथ नीचे। डीएमसी डायनामाइट्स, कितने डायनामाइट्स हैं उसमें देखो पता है? मानिक, गोरा, चिट्टा, छैल, छबीला, गबरू, जवान। मानिक 3 महीने से मेरा स्लीपर पहन के घूम रहा है, और वो भी मैंने दिया नहीं है, ले लिया कभी नहीं लौटाया, तो इसके साथ रहूंगी। घर का सब सामान धीरे धीरे गायब होएगा। से आगे चप्पलें चुरा रहा तुम्हारे लड़कियों की। मानिक नहीं चाहिए भाई। और कौन है वो? जीडी पाजी स्ट्रेट अप नहीं, क्योंकि मैं दो आदमी के साथ नहीं रह सकती, या तो जीडी के साथ रहूंगी या तो 47 के साथ रहूंगी। हाँ। करेक्ट। दो आदमी नहीं। डीएमसी डायनामाइट्स भी बस हो गया मेरे को। क्या है वे, कैसे लोग हैं? बचा क्या अपने पास? यूके। हाँ यूके बेस्ट है, यूके से किसी को क्या ही शिकायत हो सकती है। बेस्ट, लोफाई जिंदगी, एकदम मस्त जिंदगी, आराम से बहुत आगे बढ़ूंगी ये लाइफ में मैं इसके साथ। अबे जिसका शरीर वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ा, 30 का हो रखा ये, कहाँ आगे बढ़ेगी? छोड़ दे उसे, रहने दे भाई। ये ऐसे तो सब लोग कैंसिल हो रहे, बहुत स्ट्रेस आ रहा है। राइम के साथ रह लूं? राइम के साथ सोच सकते हो, राइम के साथ बुरा कुछ नहीं है ऐसा कि इसके साथ रहूंगी तो पूरा टाइम वो यू कैन लिव विद मी सृष्टि। आर यू श्योर? ये वाला भी वाइब नहीं चाहिए। ओके ओके। खुल्लर जी है ना, पहले गाने से अपनी बेइज्जती करा ली, तेरी क्या इज्जत रखेगा ये। नो नॉट कुल्लर जी। कौन बचता है फिर? फिर अरे पैराडॉक्स। जादूगर ऐसा जादूगर। पैराडॉक्स के साथ मेरे को बेबी सिटिंग थोड़ी करने का, मेरे को रूममेट चाहिए। एक काम कर सनी, ये सब ऑप्शन एग्जॉस्ट हो रहे, किसी का लायक ही नहीं है। मैं तेरे साथ रह लूंगी, टेंशन मत लेना। तू पागल है क्यों? तेरा थंबनेल देख के मैंने कैंसिल कर दिया था तुझे। दिखाओ वो, देखो सेक्सी लग रहा था। बोल बोल बोल, मैंने तो कौन है कौन इधर? सृष्टि नहीं तो कौन? मैं बादशाह भाई के घर पे रह लूंगी, वो मना भी नहीं करेंगे। हाँ धर्मशाला फसल के सारे बच्चे मेरे घर आओ। आपको कोई प्रॉब्लम है? तू तो सबके दिलों में रहती है, तुझे घर की क्या जरूरत है पगली? वेरी गुड पॉइंट। बट वो थंबनेल वाले पॉइंट से सहमत हूँ। यहाँ पे मारे हुए जोक्स को पर्सनल ना लें। आखिरी एपिसोड है, निकलने के बाद डिस ना निकालें। Hustle कर, we hustle hard.